बुंदेलखंड के महोबा को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए योगी सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। वहीं अब जिले के विजय सागर पक्षी विहार में यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 2 फरवरी को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री केपी मलिक के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं आने वाले सैलानियों और अधिकारियों के रुकने के लिए टेंट आदि की व्यवस्था की गई है। इस फेस्टिवल में वन्य जीव पर्यटन, प्रकृति संरक्षण और फोटोग्राफी जैसे कई आयोजन होंगे। बता दें कि इस फेस्टिवल का उद्देश्य टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम की साझेदारी ब्रिटिश वर्ल्ड फेयर एंड और जो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ की गई है, जिसमें पर्यावरण को बचाने के अलावा पक्षियों की जो प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं उन्हें कैसे बचाया जाए या जो विलुप्त हो रही है उन्हें कैसे बचाया जाए, उन प्रयासों को भी साझा किया जाएगा। दो फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस यानी वेटलैंड डे मनाया जाता है और 2 फरवरी को वर्ल्ड फेस्टिवल के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और 2 फरवरी को राज्य स्तरीय वर्ल्ड फेस्टिवल महोबा में विजय सागर पक्षी विहार में मनाया जाना सुनिश्चित हुआ है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यावरण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, ताकि यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक आकर्षित हो सकें। यही हमारी सरकार की मंशा है।